नहीं नहीं तो आपने मुझसे क्या पूछा, दही लोगे या सब्जी? अभी भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अकबर का था सेनापति, मान लो वर्चस्व की लड़ाई, हाईवे पे जा रहे हैं, वो बहुत छोटे छोटे तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी हम जा रहे हैं हाईवे से बाय रोड जयपुर टू पुष्कर। कितना टाइम लगता है अप्रॉक्स? 3 घंटे आप मान के चलिए, 2.5 से 3 घंटे के बीच का समय लगता है आपको पूरा। ये जो है हमारी पुष्कर की जर्नी शुरू होने वाली है। सबसे पहले आपको हाईवे का रास्ता कैसा है, रोड कैसी है, कितने टाइम में पहुंच सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको रास्ते में मिल सकती है, ये भी बताएंगे आपको। फिलहाल हम निकल रहे हैं अभी जयपुर सिटी से और अभी हाईवे आने में थोड़ा टाइम है, तो आप जयपुर शहर का थोड़ा सा मज़ा लीजिए, उसके बाद आपको हाईवे पर ज्वाइन करते हैं। सरोवर कहलाता है और आपको सामने दिख रहा है सेंट विल्फ्रेड्स, यहाँ का कॉलेज है। और ये जो रोड आप अगर आप लेते हैं तो एक तो अजमेर रोड कनेक्ट हो जाएगी आगे जाके, और दूसरी बात ये है कि यहाँ से पास में आपको फिर अगर आपको खाटू श्याम जी जाना है तो जो रिंगस वाली रोड है वो भी आपको आगे जाके मिल जाएगी। ब्रह्मा जी का मंदिर 1 बजे बंद हो जाता है तो पहले वो करें कैसे? अच्छा ब्रह्मा जी का, हाँ उसके बाद, उसके बाद फिर तो दिन भर ही खुला रहता बाजार बाजार सब। वो तो दिन भर खुले रहते राम जी के मंदिर। हाँ देखिए वैसे तो आपका पुष्कर अजमेर तक हाईवे बहुत अच्छा है जयपुर से, लेकिन एक प्रॉब्लम बस आपको ये पड़ सकती है, अगर आप नए चला रहे हैं तो रास्ते में ये जो ट्रक है आपको दिख रहे हैं कई कई बार ये दोनों तरफ चलते हुए मिलेंगे जैसे वो आगे हैं, तो ये थोड़ा सा ओवरटेक में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, बाकी हाईवे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और दूसरी बात मेन तो ये है कि जैसे अगर आप मणिपाल कॉलेज तक आता है, मतलब बीच में मणिपाल का कट आता है, टोल भी आता है, तो वहाँ तक आप रहेंगे तो ये जो पब्लिक एरिया है, फ्लैट्स हैं, पब्लिक क्रॉसिंग वगैरह, ये थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी भीड़ आपको मिलती रहेगी रास्ते में। देखिए जब भी इधर आना होता है मुझे कुछ ना कुछ वर्क इधर मिल ही जाता है, जैसे अभी ये डाइवर्जन दे रखा है यहाँ पे, ये रोड पे भी बीच में इधर काम चल रहा है, लेकिन जयपुर के इस एरिया के मतलब जब अजमेर वाला हाईवे पकड़ते हैं अपन, तो इसका खास बात ये है कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बड़ी बढ़िया रेस्टोरेंट्स जैसे चौका पंजाब हुआ, या फिर अगर आप पूल वगैरह रिजॉर्ट जाना चाहते हैं तो यहीं पे आपको मिल जाएगा पिंक पर्ल, और भी आसपास एक दो रिजॉर्ट है यहाँ पे, आगे जाके एक टोल भी आता है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट हैं, तो इस बात का फ़ायदा ज़रूर मिलता है आपको। बाकी लेकिन काम यहाँ पे हमेशा चालू रहता है, जैसे अभी मैंने पीछे देखा पिछली बार रिंग रोड साउथ कॉरिडोर जो था उसका काम चल रहा था, यहीं से कनेक्ट कर देंगे वो, जैसे अगर आपको कोई और दूसरा हाईवे पकड़ना है तो एक साउथ रिंग साउथ कॉरिडोर का काम चल रहा था, अभी वो पूरा हो चुका है रिंग रोड साउथ कॉरिडोर, तो यहीं से कनेक्ट होता है अभी जैसे। अब देखिए हम यहाँ पे टोल पे आए हैं। देखिए एक रूल अगर आपको वैसे जहाँ तक है मालूम हो या नहीं मालूम हो, जैसे अपना ये फास्टैग लग रहा है तो कुछ टाइम लिमिट होती है, अगर उस टाइम लिमिट में अगर आपको फास्टैग से पैसा नहीं कटता है तो आपको कोई टोल नहीं देना पड़ेगा, ये रूल होता है। वैसे बहुत से टोल टैक्स वाले मानने का मना कर देते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि अगर टाइम लिमिट के अंदर आपका टोल नहीं कटता है तो आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। फास्टैग का मतलब ये है कि आपका जल्दी से टोल कट जाए। तो अभी हम इस वक्त आए हैं बीच में रुक के थोड़ा सा हॉल्ट लिया है, यहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे, सुबह के बज चुके हैं 9 और ये है अभी दूदू का एरिया पड़ता है अजमेर की तरफ, पुष्कर की तरफ जाते हैं हम जयपुर से, तो ये दूदू का एरिया पड़ता है, पीछे मेरे दूदू का हाईवे जा रहा है और ये देख सकते हैं ये हाईवे पर हमने हॉल्ट लिया है बीच में, ये एरिया जो है दूदू का है और आप सामने देख सकते हैं ये है हमारा होटल, होटल नीलम
गार्डन रहता है। कितने की सब्जी दे रहे हो आप? 240 रुपए की, 120 रुपए की एक प्लेट। नहीं नहीं सब्जी प्लेट नहीं, सब्जी नहीं नहीं। तो आपने मुझसे क्या पूछा, दही लोगे या सब्जी? आपने रेट तो बताई नहीं, मेनू कार्ड है ना। तो दही की रेट क्या है? 50 रुपए प्लेट। तो अलग से नहीं बताया जाता? अलग से। मैंने अचार भी बोला था, फिर अचार की रेट क्या है? अचार का फ्री सिस्टम। तो फ्री तो रात की चाय। हाँ भैया भैया, क्या चाय कब की थी? चाय कब की थी? चाय हमने बनवाई, फ्रेश चाय बनवाई, उसी में पुरानी चाय दोबारा। ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यहाँ पे, ये बेवकूफ बना रहे हैं भैया। बाहर के निकल जी, चाय कब की थी आपको? चाय अभी बनवा रहे थे हम, वो फ्रेश चाय बनवाई, उसमें पुरानी चाय डाल रही है। 5 रुपए के, 20 रुपए दे रहा है। 20 रुपए की दे रहा है। मैंने बिसलेरी, मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या हमारे साथ। जयपुर से अजमेर हाईवे पे हमने ये आलू पराठे ऑर्डर किए। पहली बात तो इन भाई साहब का, जिनका यहाँ पर रेस्टोरेंट है, इनने ना हमें कोई मेन्यू कार्ड दिखाया, उसके पीछे क्या कारण है वो यही जाने। उसके बाद हमसे अपनी मर्जी से कुछ चार्ज करना इनके तरफ से, हमें बताए बिना कि ये इतने का, ये इतने का, मेन्यू कार्ड असल में दिखाया ही नहीं। उसके बाद ये हमसे बहस करने लग गए कि आपके 600-800 रुपए हुए, जो कि वाजिब नहीं है एक सिंपल से नाश्ते के। और दूसरी बात ये थी कि इन्होंने ना हमें बिल दिया। तो ऐसे स्कैम हो सकते हैं हाईवे पे आपके साथ भी, अगर आप जयपुर से अजमेर जा रहे हो, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस था। तो विशेषकर याद रखिएगा, ऐसे हाईवे पे रेस्टोरेंट से बचिएगा जो आपको बिल्कुल ही अंधा पैसा करके कोई भी चीज़ बेचे, कोई भी चीज़ खरीदे। और ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, आपने वीडियो में दो लोगों को और सुना होगा। एक बता रहे थे उनको सुबह की चाय बेच रहे हैं ये रेस्टोरेंट वाले, दूसरों ने बताया कि उनको ओवर चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, हाँ, हाईवे पे ध्यान रखिएगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा व्यू था, मैंने आपको बताया। आप सतर्क रह के रेस्टोरेंट में प्रॉपर जाँच पड़ताल करके कि आपको ताज़ा ही खाना मिल रहा है, उसके बाद ही आप रुकिएगा वहाँ पर, नाश्ता या खाना कीजिएगा। देखिए, हमें यहीं से खूबसूरत नज़ारा देखने लग गया है पहाड़ों का, अरावली रेंजेस जो आती है पहाड़ों की। अभी कुछ दुकानें आ गई, थोड़ा आगे चल के आपको और दिखाते हैं क्लियर। तो वो दिख रहे हैं आपको अरावली रेंजेस के पहाड़, जिसके करीब हम जाने वाले हैं। और ये साइन बोर्ड आ चुका है, यहाँ से अजमेर, ब्यावर, उदयपुर और किशनगढ़ सब मतलब यहीं से कनेक्ट हो जाता है रास्ता। रास्ते में ट्रक बहुत मिले, क्योंकि यहाँ पे जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी बहुत होता है, मतलब जैसे अजमेर हाईवे वगैरह पे। तो ये आप देख सकते हैं, सब मार्बल की लगातार जो गोदाम होते हैं, जो शॉप्स होती है मार्बल की, सब अलग अलग मार्बल की। एक्चुअली ये किशनगढ़ नाम से एक एरिया पड़ता है बीच में, और ये बहुत फेमस है मार्बल। अगर आपने किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, जो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे बहुत फेमस होता है, जिसे कहते हैं कि लद्दाख आ गए, कश्मीर आ गए, जो छोटा सा बीच में लेक दिखाते हैं लोग आपको, वही वही वाला एरिया है किशनगढ़ का। और सब तमाम जो भी है सब मार्बल्स की यहाँ पर गोदाम है। यहाँ से 10-15 किलोमीटर रह गया पुष्कर, और आप देख सकते हैं अपन कितना करीब आ गए इन पहाड़ों के। वैसे तो पुष्कर में घूमने के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन खास खास मंदिर ये 6 मंदिर हैं, जिसमें सावित्री देवी मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर लेक और पुष्कर का घाट, पुष्कर का मार्केट, रंग जी का मंदिर और वराह मंदिर और उसका घाट। वैसे कई सारे मंदिर हैं, लेकिन मैंने आपको मुख्य 6 मंदिर बता दिए हैं। अब आप देखिए, यहाँ से करीब 6 किलोमीटर रह जाता है पुष्कर, और ये जो एरिया है इसमें कई सारे जो है अभी खाली ही रखा है। वैसे तो बस रिजॉर्ट्स के आपके जो है बोर्ड आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर भी आपको जो है रिजॉर्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। अभी कई सारे फ्लैट्स वगैरह यहाँ पे रेडी टू शिफ्ट वगैरह तैयार हो चुके हैं, कई सारे बोर्ड आए थे रास्ते में, तो काम जारी है वैसे तो। और जो व्यू है यहाँ से शुरू हो जाता है आपका चारों तरफ, मतलब इस साइड भी अगर हम देखें तो पहाड़ है, और ये इस साइड भी पहाड़।
यहाँ पे एक बात और है, जैसे कि आप राजस्थान में ज्यादातर जगह आजकल ये हो गया है कि कैमल फेस्टिवल और डेजर्ट का आनंद आप राजस्थान में कहीं भी ले सकते, चाहे अब ये पुष्कर में भी यहाँ पे आप देख सकते काफी सारे ऐसा बना रखा है डेजर्ट टाइप, जहाँ पे आप कैमल राइड ले सकते हैं, जीप राइड ले सकते हैं। जैसे कि जैसलमेर में बताया था मैंने, कुछ जैसलमेर में तो खेन वहाँ का तो नेचुरल है, फेमस है, पर यहाँ पे भी ये सब कैमल राइड है और जीप राइड है और टेंट हाउस है, ये सब यहाँ पर भी बना रखा है। तो वैसे तो रिजॉर्ट्स बहुत सारे हैं पुष्कर में, आप कोई सा भी रिजॉर्ट करा सकते हैं। टेंट का अगर आप आनंद लेना चाहते हैं, ये देखिए टेंट रिजॉर्ट भी है यहाँ पे, एक टेंट बने हुए हैं लाइन से, और भाई जो भी आपका रात को जो थोड़ा सा प्रोग्राम होता है राजस्थानी फोक सॉन्ग्स कल्चर का, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जीप राइडिंग, कैमल राइडिंग सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोट्स लगे हुए हैं सब लाइन से। रिजॉर्ट्स की तो कभी है नहीं काफी।